स्नो वाइट और जादुई दर्पण। एक बार की बात है, एक खूबसूरत नीले आसमान के तले हरी भरी घास थी। वहां एक शानदार महल में स्नो वाइट और प्रिंस एंटुआन खुशी से रहते थे। वहीं से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा में एक दुष्ट रानी हेला रहती थी। स्नो वाइट को मारने की कोशिश करने पर उसे और उसके नौकर डंकव को भगा दिया गया था और अब हेला की एक नई बुरी योजना थी। डंकव, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं स्नो वाइट का बदला जरूर लूंगी। हाँ, आप जरूर लेंगी मेरी आका। चैम्बरलेन, चैम्बरलेन, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा गोरा कौन है? आप मेरी रानी, आपसे गोरा इस भूमि पर दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक कैला। मूर्ख मूर्ख डंकाव, नहीं, मैं ही सबसे सुंदर होनी चाहिए। एक जादू का दर्पण बनाऊंगी, अंधेरे जंगल का पता लगाऊंगी। हेला का मूल जादुई दर्पण महल के काल कोठरी में बंद था, इसलिए हेला ने एक नया जादुई दर्पण बनाने की अपनी योजना शुरू की। ऐसा करने के लिए उसे सभी जादुई भागों को प्राप्त करना पड़ा। सबसे पहले उसने कुछ जिमजाइन के पत्ते, फिर जादुई गुलाब की कलियां और तैरते हुए दलदली पत्थरों को एकत्रित किया। उनकी जादू की किताब ने उन्हें 20 मिनट के लिए 400 डिग्री पर उबालने के लिए कहा और फिर उस काले काढ़े से बाहर आया उसका नया शक्तिशाली जादुई दर्पण। काले दर्पण, काले दर्पण, जागो, मुझे स्नो वाइट के मजेदार छोटे बौनों के दोस्तों का जंगल दिखाओ। डंकों ने जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। नया जादुई दर्पण उसके सामने तैरता हुआ आया, जो काले पत्थरों के किनार और बैंगनी चमकती फ्रेम से सजा हुआ था। दर्पण के अंदर बौने जंगल में दिखाई दिए, लेकिन वो अंधेरा और डरावना लग रहा था। हेला दर्पण में जा पहुंची। काले दर्पण, काले दर्पण, एक दीवार छोड़ो और बौने के जंगल को बदल दो, उन पर कब्जा करो। इस बीच सात बौने जो पूरे दिन खदान में काम कर रहे थे एक एक करके बाहर आए। पहला एस, दूसरा शाय, एंग्री, सिली, क्यूरियस, जॉली और लेजी। आज कितना काम किया है, आज थोड़ा आराम कर लूं, शायद मैं यही झपकी ले लूं। बिल्कुल नहीं, उठो, हम आराम नहीं कर सकते, हमें शाम ढलने से पहले घर जाना चाहिए। बौने वहां से सीधे एक ही लाइन में अपने घर के लिए निकले। सिली बौना लाइन के पीछे चल रहा था। उसने पेड़ों की शाखाओं के बीच एक कौवा उड़ता देखा। कौवे के मुंह में एक चमकीला सा पत्थर था। सिली बौना विचलित हुआ और उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, कौवे के मुंह से शानदार पत्थर लेने के लिए। ऊपर ऊपर, जैसे ही वो कौवे को पकड़ने ही वाला था, पेड़ झूमने लगा, कौवा उड़कर चला गया। पेड़ की शाखाओं ने सिली बौने को कस लिया। वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था, इस बीच उसकी हरी टोपी शाखा में फंस गई। बाकी बौनों ने ये नहीं देखा कि सिली बौना साथ नहीं था, वे आगे बढ़ते रहे। अब क्यूरियस बौना पीछे था और फिर उसने एक स्वादिष्ट केक को सूंघा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिशा में चलना शुरू किया
जहाँ से खुशबू आ रही थी। जादुई जंगल ने उसे पेड़ की शाखा में खींच लिया और उसका सिर पेड़ से टकरा गया और फिर जंगल की जादुई गंध ने उसे ढक लिया और उसे ले गई। वहां कुछ बचा था तो वो सिर्फ उसकी पीली टोपी थी। बाकी बौने आखिरकार जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। इस बीच महल में स्नो व्हाइट ने अपने पसंदीदा दोस्तों सात बौनों के लिए सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया। राजकुमार, मैं अपने दोस्तों सात बौनों से मिलने जंगल जा रही हूँ। सावधानी से जाना, वो दुष्ट हेला कहीं भी हो सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नो व्हाइट ने जंगल से गुजरते हुए अपनी लंबी यात्रा शुरू की। एक सुंदर पक्षी आया और उसके कंधे पर बैठ गया। उसे कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। पक्षी उड़ गया और चाहता था कि स्नो व्हाइट उसके पीछे जाए। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पीछे आऊं? ठीक है। जैसे ही स्नो व्हाइट ने पंछी के पीछे जाना शुरू किया, उसे एक शाखा पर लटकी हुई हरी टोपी दिखाई दी। अरे ये तो सिली बौने की टोपी है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। राजकुमारी रंग बिरंगी चिड़िया के पीछे चलती रही और फिर उसे कांटेदार जड़ी बूटियों पर पीली टोपी मिली। अरे ये तो क्यूरियस बौने की टोपी है। राजकुमारी और रंगीन पक्षी जल्दी से सात बौनों की झोपड़ी में गए। बौनों को उम्मीद थी कि वो स्नो व्हाइट से मिलेंगे। ओ स्नो व्हाइट, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई। हमें मूर्ख और जिज्ञासु दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वे उस दुष्ट हेला के जंगल में फंसे होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। शर्मिला और मैं घर पर ही रुकते हैं, शायद वो वापस घर लौटे। स्नो व्हाइट, एस, जॉली और एंग्री के खोज के लिए निकले। दूर पहाड़ों में रानी की दुष्ट गुफा में हेला और उसके नौकर डंकव ने क्यूरियस बौने और सिली बौने को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। स्नो व्हाइट की मदद करने के लिए आपको दंडित किया जाएगा। सभी को अंधेरे जंगल में नष्ट कर दूंगी। हेला वापस अपनी गुफा में अपने जादुई आईने के पास गई। काले दर्पण, स्नो व्हाइट और उसके दोस्तों का पता लगा दे। उज्जवल और सुहाने मौसम को तूफान में बदल दे। स्नो व्हाइट और बौने रास्ते के किनारे रंगीन पंछी का पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर मौसम एक गहरे तूफान में बदल गया। अंधेरे से गुजरते रहे ताकि अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वे सारी रात पहाड़ों में चलते रहे। रंगीन पक्षी बौनों को बचाने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाता रहा। चट्टान के किनारे से दुष्ट हेला स्नो व्हाइट और अन्य बौनों को आते देख रही थी। वो जानती थी कि वे तूफान से थक जाएंगे। हाँ, मुझे पता था कि वे आएंगे। डंकव, सब कुछ तैयार है? हाँ मेरी सबसे सुंदर रानी, सब तैयार है। स्नो व्हाइट और बौने थक गए थे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते रहे। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा और उस पिंजरे को भी जिसमें क्यूरियस और सिली को बंद कर रखा था। डरो मत, हम आपको बचा लेंगे। स्नो व्हाइट, वो देखो काला दर्पण, उसके पास गुफा में काला दर्पण है। स्नो व्हाइट ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। बाहर डंकव पिंजरे पर नजर गड़ाए बैठा था। बौने फुसफुसाए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। एंग्री चुपके से डंकव के पीछे गया और उसके सिर पर एक बड़ा बोरा रख दिया। फिर
जॉली ने पिंजरा खोल दिया, लेकिन वो इतनी तेजी से नीचे आया कि डंकव के सिर से टकरा गया और डंकव बेहोश हो गया। एक अच्छी बात ये थी कि पिंजरे का दरवाजा अभी बंद था। चाबी डंकव के गले में है, देखो तो। हाँ, मिल गई। अब पिंजरा खोलो। जॉली ने वो चाबी ली जो डंकव के गले में थी और उसने पिंजरे को जल्दी से खोल दिया। सिली और क्यूरियस बच गए थे, लेकिन गुफा के अंदर स्नो वाइट और हिला आमने सामने थे। हिला, बुराई करके सुंदर नहीं हो सकते। सुंदर महिला बनना है तो दिल बदलना होगा, लोगों को चोट पहुंचाना बंद करना होगा। खूबसूरती दिल से आती है। लेकिन दुष्ट हृदय वाले हेला ने ध्यान नहीं दिया। उसने जादुई मंत्र बोलकर अपनी आंखों को लाल और अपनी उंगलियों को नुकीला किया। लेकिन हेला के पीछे बॉनी स्नो वाइट की मदद करने के लिए अंदर घुस गए। हेला स्नो वाइट की तरफ बढ़ी और उसे जादुई शीशे में धकेलने की कोशिश की। स्नो वाइट, जादुई शीशे में चली जाओ, फिर तुम हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में गायब हो जाओगी। सिली बोना लंबे रानी के सामने चुपके से गया और अन्य बोनों ने उसे पीछे से धक्का दिया और स्नो वाइट के बजाय हेला जादुई शीशे में चली गई। हेला की चीख ने डंकव को जगा दिया। वो गुफा के अंदर भाग गया और आईने के बगल में स्नो वाइट को देखा। मैं भी आ रहा हूँ मेरी रानी, सबसे सुंदर इस भूमि पर। वे शीशे में फंस गए थे। बॉनी खुशी से दौड़े और स्नो वाइट के गले मिले। हमें बचाने के लिए धन्यवाद स्नो वाइट। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। बोनो और स्नो वाइट ने जादुई दर्पण को चट्टान से नीचे फेंक दिया। अब घर चलो। आखिरकार सिली और क्यूरियस फिर से घर में आकर बहुत खुश थे। स्नो वाइट के साथ उन्होंने अच्छा डिनर किया और मस्ती की।